हरि ओम, नमो नमः, शुभ मध्यान्हम। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को 5 बजे। तो जुकाम से काफ़ी हालत ख़राब हो रही है, तो सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। सुबह से मैंने कुछ ना कुछ काम किया है लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जुकाम इतना लगा हुआ है। तो अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो एकदम से जुकाम भी लग रहा है, और क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। लेकिन आज का जो मौसम मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट इसीलिए किया है कि मैं आज आपको मौसम दिखाती हूँ शाम को, कितना ख़तरनाक मौसम हो रहा है हमारे यहाँ अभी। डेली ऐसे ही हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए चलती हूँ छत पर और आपको दिखाती हूँ यहाँ का आज का मौसम, जिसके चक्कर से सभी लोगों को बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम ये वायरल फैल रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना, उसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। और बाकी गर्मी इतनी हो रही है, और आप मेरे को स्वेटर में देख रहे होंगे क्योंकि मुझे बुखार भी आया है, इसलिए मैंने स्वेटर पहना है। बाकी इतनी गर्मी हो रही है कि स्वेटर भी सहन नहीं हो रही है, लेकिन बुखार में ठंडा सा फील होता है तो इसलिए स्वेटर पहनना ज़रूरी भी है। तो चलिए चलते हैं छत में और आपको दिखाती हूँ आज का ख़तरनाक वाला मौसम कैसा हो रहा है। इतनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, तूफान आ रहा है और बादल भी लगे हुए हैं और बिजली भी चमक रही है। तो चलिए चलते हैं छत में और आपको दिखाते हैं पहले मौसम। तो देखिए मैं जा रही हूँ छत में को, और आवाज़ सुन रहे होंगे आप बादल की, ये देखिए इतना ख़तरनाक हो रहा है मौसम। और यहाँ से देखिए बिल्कुल बादल लग के ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है छत में, और हमारे गेहूँ भी पकने लगे हैं। अभी 2 हफ्ते में लगभग हो ही जाएंगे जहाँ तक है, और मौसम अगर सही रहा तो बारिश होएगी तो चलेगा, लेकिन ओले अगर गिर गए ना तो पूरी फसल नष्ट होने वाली है। और इधर ग्वालदम साइड तो बारिश भी आ गई है, देखिए इधर है ग्वालदम, तो यहाँ तो बारिश भी आ गई है और यहाँ हवा चलने लगी क्योंकि ठंडी। और इधर है कौसानी साइड को भी फिलहाल मौसम ठीक ही हो रहा है, लेकिन धुंध से तो ऐसे लग रहा है कि बारिश आ गई। ये देखिए कैसा हो रहा है इधर से, देखिए इधर साइड बिल्कुल एकदम साफ हो रहा है, इधर साइड को कुछ नहीं हो रहा है अभी बारिश का। पारू भी बात ही बाहर, लेकिन डर भी लग रही है, अभी हवा बहुत चल रही है। तो वैसे तो इधर बंद है, इधर को कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर अपने आप रहें। बाकी इधर उधर शादियाँ हो रही है तो गाने लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गानों की भी आवाज़ आ रही है। बाकी मौसम इस तरह का हो रहा है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है बहुत। देखिए कैसा हो रहा है मौसम। सबसे ज़्यादा तो पहले बिजली चमक रही है इतनी ख़तरनाक वाली, जिससे लग रहा है काफ़ी डर। ये देखिए बादल की आवाज़, तो सबसे ज़्यादा इधर ही को हो रहा है। तो देखते हैं इधर की बारिश तो वैसे आती नहीं है इधर की साइड, तो देखते हैं आती है नहीं आती है। बाकी फिलहाल ये है आज का मौसम, अभी देखते हैं शाम तक बारिश होगी तो आपको दिखाएंगे, फिलहाल तो इसी तरह का हो रहा है मौसम। बाकी डेली ऐसे ही हो रहा है शाम के टाइम, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। अभी बीच 2 दिन पहले हुई थी हल्की सी बारिश, छींटे पड़े थे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो बारिश होगी ना, अगर ऐसे मौसम रहा तो बारिश होगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि ओलावृष्टि होती है आजकल की बारिश में, और जिससे हमारी गेहूँ की फसलों को होता है नुकसान। ये देखिए गेहूँ की फसल हो रखी है और इस बार सूख गए हैं गेहूँ, और ये पके नहीं हैं, ये धूप की वजह से सूखे हुए हैं। अगर बारिश होती ना अभी हरे भरे होते, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है तो इसकी वजह से सूख चुके हैं। तो ये देखिए यह है आज का मौसम शाम के 5 बजे, तो देखते हैं बारिश का क्या रहता है। और बांज के पत्ते पूरे उल्टे हो चुके हैं, देखिए हवा की वजह से ऐसी हवा चल रही है बजानी में। देखिए देर में मौसम कैसा रहता है, बारिश आती है या नहीं आती है। अभी तो फिलहाल छीटे आने लग गए हैं, तो मैं पानी में डाल देती हूँ क्योंकि इसको ठंडा लग जाएगा। ये देखिए बारिश आने लगी है हल्की हल्की, तो अगर बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, बस ओलावृष्टि ना हो, ओले ना गिरे। आते हैं और बाकी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको मौसम। तो मैं तो जा रही हूँ नीचे क्योंकि ठंडा बहुत हो गया और बारिश आने लगी है, तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ आपको मौसम की, बने रहिएगा मेरे साथ। बाहर से मेथी है, मैं उसको उठा देती हूँ, बाकी सामान बहुत है बाहर, बारिश आने लगी है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
तो मैं दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा था, मौसम और बारिश आई है कितनी कम। देखिए ये आई है बारिश, ये इतना गीला हो रहा है और नीचे देखिए पूरा सूखा है। सिर्फ इतनी बारिश आई है और मौसम कितना खतरनाक हो रहा था, अभी भी थोड़ा धुंध वाला हो रहा है, बाकी देखिए बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो बारिश आके चले भी गई है और दिखाया मैंने आपको कितनी बारिश आई है, और बाकी आज दिखाती हूँ मेरे दिन में क्या काम किया मैंने, तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैंने बनाया है कपड़े का एक पर्स, ये देखिए। तो दिन में मेरा ये काम रहता है, जब मैं कुछ खाली बैठी रहती हूँ ना तो मेरा दिमाग ऐसे चलता रहता है कि क्या करूँ। तो मैंने बनाया एक हैंड पर्स छोटा सा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा छोटा ही है। और बाकी यहाँ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये मेरे सब सिलने वाले कपड़े हैं, धोतियों के खोल बनाने हैं क्योंकि अब गेहूँ के दिन आ गए हैं तो हमको चीला भरने के लिए खोल चाहिए, तो फैला रखा है मैंने पूरा यहाँ पर। तो आपको दिखाती हूँ मेरा आज का काम क्या था। तो ये तो एक तो था ये जो मैंने बनाया है एक बैग, ये देखिए पर्स। तो इसमें मैंने चैन नहीं लगाई है, ये मैं इसमें लगाऊंगी बटन, एक ऐसे ही बटन लगाऊंगी। बाकी ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का है और इसका सेफ है कुछ इस तरह का फ्रॉक वाला। और एक और बनाया है उसके लिए मैंने चैन भी रखी है, उसमें मैं चैन लगाने वाली हूँ। ठीक है ये वाला देखिए, एक बैग है ये जो होगा इस तरह का। इसमें मैंने अंदर से लगा रखा है कट्टा, ये देखिए बस मैं चेन लगाने वाली हूँ। फिलहाल कुछ इस तरह का है ये बैग मेरा, ये देखिए काफ़ी बड़ा भी बनाया है क्योंकि मम्मी ये थी बहुत छोटा हो गया वो वाला, तो ये मैंने बड़ा बना दिया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें लगाती हूँ चैन, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। झोले में मेरी चैन भी लग चुकी है, ये देखिए ये बन गया है चैन वाला। और इसके साथ मैंने एक और छोटा सा बना दिया है, इसमें हम रखेंगे अपने महिला मंगल दल वाले ढोलक के पैसे। तो जो ढोलक में जो सब पैसे दे रहे हैं वो ऐसे ही व्यस्त अस्त व्यस्त हो रखे हैं, तो इसमें डालेंगे हम उनको। देखिए ये छोटा सा बनाया है, इसमें अभी मैं एक बटन बनाऊंगी बंद करने के लिए इसको। और बाकी ये देखिए नए डिज़ाइन का बन चुका है हमारा पर्स, फाइनल हो चुका है। ये देखिए बंद भी हो गया है, इसमें ये बटन लग गया है और ये बंद कर दिया है। और बाकी अब पैसे आएंगे इसमें, देखते हैं कितनी जल्दी भरता है, अब कितना सकुनी होता है ये। तो देखिए अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम को 8 बजे, और 8 बजे का मौसम आपको दिखाती हूँ कैसा हो चुका है। तो अभी बच चुके हैं शाम के 8, और देखिए काफ़ी तेज़ होने लग गया बारिश। तो देखिए बारिश आने लग गई है और मौसम रहा कुछ बढ़िया, तो थोड़ा ठंडक होगी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा मौसम सही हो जाएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर लेते हैं एंड, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।